चलेगा, एक ही दिन का काम है, मैं मैनेज कर लूंगा, लेके आइए। पद्मी नारायण श्रीवास्तव। क्या क्या बात है भैया, 20 मिनट में 12 इंटरव्यू खत्म हो चुके? वो समझ में नहीं आता, अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अजीब अजीब सवाल करते हैं। अजीब सवाल मतलब? भाई साहब ये तो सब दिखावा है, इसको रखना था पहले रख चुके। मॉर्निंग सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। आप मेरे अंकल को तो अच्छी तरह जानते होंगे सर। उनका नाम है हैरी श्रीवास्तव, आपके साथ कॉलेज में पढ़ते थे और फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। अंकल ने आपको हेलो कहा है सर, आपको याद नहीं आ रहा सर? हैरी श्रीवास्तव तुम्हारा मतलब हरी नारायण श्रीवास्तव? जी हाँ जी हाँ। अब वो फुटबॉल के मशहूर कोच हो गए हैं सर। सर जब ब्लैक पर्ल यहाँ आया था ना तो मोहन बगान की टीम उन्होंने ही चुनी थी। ब्लैक पर्ल? यस सर, ब्लैक पर्ल, दुनिया का मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले। जैसे रविन्द्रनाथ को गुरुदेव, गांधी जी को महात्मा या बापू कहते हैं ना सर, उसी तरह पेले को कहते हैं ब्लैक पर्ल। व्हाट अ प्लेयर सर, व्हाट अ प्लेयर। खेलकूद में तो आपकी जानकारी बहुत मालूम होती है। स्पोर्ट्स में मेरी जान है सर। मैं हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स पर एक किताब लिख रहा हूँ। हाँ नहीं, आई मीन सुनील गावस्कर मेरा क्लासमेट था। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड डे सर। गुड डे सर। हैरी अंकल को कुछ कहना, एनी मैसेज? हाँ हाँ कहना कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऑलराइट सर, बाय बाय। गुड बाय। नेक्स्ट। आपका शुभ नाम है? राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। बैठिए बैठिए। धन्यवाद सर। सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनील गावस्कर? हाँ हाँ, क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी। क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है। ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो आप ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है, मैं तो यही समझता था कि मोती केवल श्वेतवर्णीय होता है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। वो तो बहुत महान आदमी है सर, बहुत ही महान। हाँ उनकी महानता के बारे में कुछ बताइए। पर कैपिटा इनकम ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र पर उनका शोध ग्रंथ पढ़ने योग्य है सर। इसकी बात कर रहे हैं आप? रेले सर, प्रोफेसर रेले, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। नहीं नहीं, मैं पेले की बात कर रहा हूँ। PELE, पेले, द फेमस फुटबॉल प्लेयर। हाँ, कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा अवश्य था कि कलकत्ता में 30-40 हजार पागल उनका दर्शन करने आधी रात दमदम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उनके विषय में बस इतना ही ज्ञान है सर। कि ये जो इंडिया पाकिस्तान हॉकी टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे आज्ञा दीजिए सर। क्यों क्यों क्या हुआ? अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती है, शौक पूरा करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी, लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया। अरे बैठो, वो क्या क्या सिखाया उन्होंने? वो कहा करते थे कि कभी अपने आदर्श, जान लीजिए सर, आप शायद उन्हें पागल समझेंगे। नहीं कहो। वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूछों का उचित आदर करना चाहिए। मुस्ताश इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड, मूछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। बेटा मैं तो कहता हूं जिसके पास मूछ नहीं उसके पास मन ही नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। जरा ये 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 बैलेंस शीट देखो। ये 1970। ये किस घावड़ ने बनाई है सर? ये आदमी तो बिल्कुल डफर है। ये मैंने बनाई है। मैं क्षमा चाहता हूं सर, लेकिन लेकिन ये गलत है। वो मुझे मालूम है, मैं इसे देखना चाहता था कि तुम्हें कितना मालूम है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय। सुनो, कल से तुम काम पर आ जाओ। तुम्हारी सैलरी 800 रुपए से शुरू कर देता हूं। ठीक है 850, मगर उससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं। तुम नौजवान लोग चाहते हो सर,
मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो 9 सिखिया हूँ सर, 850 कैसे पा सकता हूँ? मैं तो 550 की योग्य भी नहीं। लुक सन, तुम्हारी योग्यता क्या है ये मुझे मत समझाओ, अंडरस्टैंड? अब जाओ, कल आ जाना। सुनो, तुम कुर्ता इतना छोटा क्यों पहनते हो? सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपरार्ध की लज्जा निवारण के लिए होता है। भारत वर्ष में 30 करोड़ मर्द हैं, उनमें से 10 करोड़ कुर्ता पहनते होंगे। अगर हर आदमी अपना कुर्ता 6 इंच भी छोटा कर ले तो उसमें से जितना कपड़ा बचेगा उससे कितने लोगों की वस्त्र समस्या हल हो सकती है। इसलिए पिताजी कहा करते थे कि लंबे कपड़े पहनना बहुत हानिकारक फैशन है। फैशन के वो विरुद्ध थे। हे मतलब वो क्या? हाँ सर, 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट थिंकर से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मगर वो हमेशा मेरे साथ हैं सर। उनकी स्मृति मुझे प्रतिपल यह स्मरण दिलाती है कि मनुष्य तो मृत्यु के बाद भी अपने विचारों और सिद्धांतों के द्वारा अमर रह सकता है। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग करो, बोलने में नहीं, समझने में जरा तकलीफ होती है।